एवरीवन, मैं डॉक्टर सुनीता। आज का जो टॉपिक है रिलेटेड टू सनबर्न। सनबर्न का मतलब क्या होता है? जब भी आपका एक्सपोजर होता है सन की हार्श रेस के अंदर, तो आपकी जो स्किन है बेसिकली जल जाती है, उसी को हम बोलते हैं सन रेस। इन अ लेमन लैंग्वेज मैंने आपको समझाया, ठीक है? तो जब भी आप सन के एक्सपोजर में आते हैं, उसकी हार्श रेस आपके चेहरे पे गिरती है या आपकी बॉडी के पार्ट्स पे दिखती है, तो सन टैनिंग होती है। और सन टैनिंग बढ़ते 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 जब आप ध्यान नहीं देते तो वो सन बर्न में कन्वर्ट हो जाता है। कई लोगों की स्किन इतनी ज़्यादा सेंसिटिव होती है कि सन के एक्सपोजर में जाते ही जल जाती है। इसलिए बोला जाता है कि जैसे ही आप बड़े होते हैं, जैसे ही आप सन के एक्सपोजर में जाना शुरू कर जाए, तो एक चीज़ जो आपको करनी ही करनी है वो है सनस्क्रीन अप्लाई करना। वो भी 30+ का जो SPF होता है वो बहुत ज़रूरी होता है। मेल हो फीमेल हो डजेंट मैटर, आप दोनों को ही ये यूज़ करना है। जैसे ही आपने शुरू कर दिया है कॉलेज जाना या घर से बाहर निकलना, आपको सनस्क्रीन ज़रूर यूज़ करनी है। इवन घर में भी जिनके घर में सनलाइट्स आती हैं, उनको सनस्क्रीन यूज़ करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। अदरवाइज़ आपकी स्किन जो है वो बर्न हो जाएगी, ख़राब हो जाएगी, ठीक है? तो इसको करेक्ट करने के लिए कुछ मेजर्स हैं, वो मैं आपको बता देती हूँ। कुछ पॉइंट्स हैं वो मैं आपको बताती हूँ, उसके बाद मैं बताती हूँ कि होम्योपैथिक हम कैसे इसको करेक्ट कर सकते हैं। द फर्स्ट वन थिंग इज़ हाइड्रेट योरसेल्फ। जितना हो सके पानी पीजिए। पानी पीने से आपकी सेल्स जो है रिज्यूमिनेट होते हैं, सेल्स जो है रिपेयरमेंट होती है। तो पानी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप पानी नहीं पीते और सन के एक्सपोजर में जाते हो और वैसे भी आप थर्सलेस हो या पानी की रिपेयरमेंट आपकी बॉडी को कम है, तो डेफिनेटली आप देखेंगे कि स्किन जो है आपकी संकेन हो जाएगी, ठीक है? ढील मतलब बहुत ज़्यादा अंदर की तरफ धंसेगी। और ऐसी जो स्किन होती है जब सन के एक्सपोजर में आती है तो ज़्यादा ख़राब होती है, ठीक है? तो इसलिए पानी पीना इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सेकंड जो है करेक्ट प्रोडक्ट्स का यूज़ करना इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है? करेक्ट प्रोडक्ट का यूज़ करना इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आपके पास प्रॉपर आपकी स्किन के अकॉर्डिंग मॉइस्चराइजर होना चाहिए, सनस्क्रीन होना चाहिए। और प्रॉपर अगर आप कोई और चीज़ यूज़ करते हो तो वो भी आपकी स्किन के हिसाब से होना चाहिए। मैंने स्किन टाइप कितने तरीके की होती है, उनके ऊपर क्या प्रोडक्ट्स और सनस्क्रीन लगाने चाहिए, इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है, आप जाके चेकआउट कर सकते हो, ठीक है? करेक्ट प्रोडक्ट का यूज़ करना इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। करेक्ट प्रोडक्ट का यूज़ आपको कौन बताएगा? पार्लर्स वाले? नेवर। आप करेक्ट प्रोडक्ट जो है वो हमेशा एक डॉक्टर बता सकता है, क्योंकि उसको ज़्यादा नॉलेज होती है कि आपकी स्किन कॉम्बिनेशन है ऑयली है ड्राई है, और आपकी आपकी स्किन को किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है। तो आप जब यूज़ करोगे करेक्ट प्रोडक्ट तो आपको डेफिनेटली अच्छे रिजल्ट आएंगे चेहरे के ऊपर, बॉडी के ऊपर, और स्किन नहीं जलेगी, ठीक है? सनस्क्रीन मस्ट है। सनस्क्रीन एक अगर चीज़ आप मुझसे पूछो जो आपके मेकअप किट में होनी ही चाहिए, चाहे मेल हो चाहे फीमेल, तो वो होती है सनस्क्रीन। सनस्क्रीन बहुत ज़रूरी होती है। सनस्क्रीन आपको सनबर्न से बचाती है। सनस्क्रीन आपको प्रोटेक्ट करके रखती है आपकी स्किन को, और आपकी स्किन को बेहतर बनाती है। तो सनस्क्रीन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, चाहे मेल हो फीमेल हो, सनस्क्रीन ज़रूरी यूज़ करना है। यूज़ अम्ब्रेला, ठीक है? अंडररेटेड चीज़ है कि हम अम्ब्रेला नहीं यूज़ कर सकते, लेकिन हाथ अम्ब्रेला आपको जितना बचाता है ना, उतना आपको कोई और चीज़ नहीं बचा सकती। आपके फेस पर डायरेक्ट अगर धूप ना लगे, जो कि 12 से लेकर 4 के बीच का जो पीरियड होता है, उस टाइम पे अगर आप बाहर जाते हो और आपके फेस पे धूप लग रही है, चाहे आपने सनस्क्रीन भी लगाया हुआ है, तो आपका स्किन जल सकता है। तो ट्राई करें कि इस टाइम पे जब 12 से 4 हो, तो इस टाइम पे पीक पे होता है आपका सन, तो आप ट्राई करें कि अम्ब्रेला ज़रूर यूज़ करें। यूज़ स्कार्फ, कॉटन के स्कार्फ ज़रूर यूज़ करें। कॉटन का जो स्कार्फ होता है बहुत एक तो वेंटिलेशन में हेल्प करता है, सेकंड आपको प्रोटेक्ट करता है। तो स्कार्फ तो ज़रूर यूज़ करें जब आप बाहर जाएं, और पीक टाइमिंग होती है 12 से 4, तो इसके बीच में जाएं तो स्कार्फ लगा के जाएं, सनस्क्रीन यूज़ करके जाएं, अपना प्रॉपर मॉइस्चराइज़र लगा के जाएं, तो आपकी स्किन काफ़ी हद तक ठीक रहेगी, ठीक रहेगी। स्किन जो है वो यू नो जलेगी नहीं और प्रोटेक्ट रहेगी बेसिकली। तो एक स्कार्फ लगाने से अगर स्किन प्रोटेक्शन होता है तो इट्स अ गुड थिंग, ठीक है? और जो लोग कार चलाते हैं तो उनको जो शील्ड्स होती हैं वो लगा के रखनी चाहिए। लोगों का मानना है कि हमने शील्ड लगा ली, मतलब कार में है हम, एसी चल रहा है, तो हमारी सनबर्न नहीं हो सकता, ऐसा नहीं है। अगर हार्शेज बहुत ज़्यादा है, मतलब सनरेज बहुत ज़्यादा है और बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है, तो आपने चाहे कितना ही कार के अंदर बैठे हो और एसी चला रहे हो, आपका सनबर्न हो सकता है। इसलिए शील्ड्स लगाइए, ठीक है? शील्ड बहुत इंपॉर्टेंट होता है सनबर्न से बचने के लिए, ठीक है? अपनी स्किन के हिसाब से फेस वॉश, क्रीम्स और सनस्क्रीन सेलेक्ट कीजिए। आपकी स्किन के हिसाब से ही तीनों चीज़ें मिलती हैं। जब आप अपनी स्किन के हिसाब से यूज़ करते हो तो आपको रिजल्ट मिलते हैं कि आपकी स्किन ग्लो करती है, अच्छी होती है, बेटर होती है, मार्क्स नहीं आते हैं, क्लियर रहती है, ठीक है? फिर एक्सफोलिएट करना होता है स्किन को। जब भी आप सन में जाते हो और आपको पता है कि आप बाहर जाते हो, तो एटलीस्ट आपकी स्किन केयर के अंदर दो बार दिन में, हफ्ते में दो बार आपको एक्सफोलिएशन बहुत ज़रूरी होता है, वो भी माइल्ड ग्रेन्यूल्स के साथ में। ऐसे रगड़ना नहीं होता, आपको थोड़ा
माइल्ड ग्रैन्यूल्स वाला जो आपका एक्सफोलिएटर होता है उसको यूज़ करना होता है हफ्ते में 2 बार, ताकि आपकी जो टैनिंग है वो हट जाए। और सनबर्न जो है वो धीरे 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 करके होता है, एकदम से आप रिजल्ट नहीं देखोगे कि आप आज गए और जल गए, ऐसा नहीं होता। धीरे 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 होते 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 वो जलाना शुरू करता है। इसलिए जब भी आप सनबर्न का स्मार्क देखोगे उसमें एक डिमार्केशन होती है, बाहर लाइन होती है प्रॉपर जली हुई, दिखेगी आपको कि हाँ ये एरिया धीरे धीरे जला है, ठीक है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आपको किसी तरीके का स्किन का प्रॉब्लम है तो उसको भी क्योर कराइए, पहले उसको क्योर कराइए, ठीक है, क्योर कराइए और फिर उसके बाद अपने प्रॉपर प्रोडक्ट्स का यूज़ कीजिए, आपको डेफिनेटली सनबर्न का इशू नहीं होगा, ठीक है। और ट्राई करो कि आप 12 से लेकर 4 के बीच में बाहर ना जाओ, ठीक है, स्टेप आउट ना करो, क्योंकि इस बीच में अगर आप बाहर जाते हो तो पीक पे होता है सन और आपका सनबर्न होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। अगर आप पूछो कि आप, अगर आप एक क्वेश्चन है जो कि पूछते हैं कि अरे हम तो अच्छे वाला सनस्क्रीन यूज़ कर रहे हैं, हम तो अच्छे वाला मॉइस्चराइजर यूज़ कर रहे हैं, फिर कैसे हो सकता है? तो हो सकता है, क्योंकि सन हमारा नहीं है, सन कब कितनी रेस फेंकेगा, कब वो कैसे काम करेगा वो हमें नहीं पता। हमें सिर्फ इतना पता है कि वो इस टाइम पीरियड पे जो है सबसे गलत, सबसे हार्श काम कर रहा है। तो आप खुद को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, सन को नहीं, ठीक है। सन तो ऐसा ही रहेगा, इसी तरीके से कि आप दुनिया को चेंज नहीं कर सकते। आप चप्पल पहन सकते हैं तो आपको कांटा नहीं लगेगा, लेकिन आप पूरी दुनिया पे कारपेट नहीं बिछा सकते। इसी तरीके से सन को आप कुछ नहीं कर सकते, आप खुद के ऊपर अप्लाई कर सकते हो चीज़ें, ठीक है। और डोंट कन्फ्यूज़ बिटवीन सनबर्न और ब्लैमिशेस। सनबर्न होता है सन के एक्सपोजर में जाने से आपको स्किन जल गई है, ठीक है, जिसको अब स्किन केयर की रिक्वायरमेंट है ही है, ठीक है। और लोग इसको ब्लैमिशेस से, मेलेस्मा से बहुत ज़्यादा यू नो कन्फ्यूज़ करते हैं। ब्लैमिशेस होता है, ब्लैमिशेस आपका सनबर्न से भी हो सकता है, मतलब सन की रेस से भी हो सकता है, और हार्मोनल चेंजेस की वजह से भी हो सकता है, और आफ्टर प्रेगनेंसी भी हो सकता है, वो भी स्ट्रेस और यू नो हार्मोनल चेंजेस की वजह से ही होता है। लेकिन ब्लैमिशेस और सनबर्न में डिफरेंस होता है। सनबर्न जो होता है वो होता है आपका कि आप सन में निकले और स्किन जल गई और डिमार्केशन भी आएगा साथ में, लेकिन ब्लैमिशेस में आपको डिमार्केशन मिलेगा ज़रूरी नहीं है। सेकंड थिंग, ब्लैमिशेस के अंदर हार्मोनल चेंजेस भी इंक्लूडेड होते हैं। थर्ड चीज़, ब्लैमिशेस में आपका स्ट्रेस भी इंक्लूडेड होता है, सनबर्न में स्ट्रेस इंक्लूडेड नहीं होता है, ठीक है। आप सन में जाओगे और आपने प्रॉपर स्किन केयर नहीं कर रखा, आपने प्रॉपर अपने आपको प्रोटेक्ट नहीं कर रखा, तो स्किन जल जाती है, उसको सनबर्न बोलते हैं। ब्लैमिशेस इज अनदर थिंग, ठीक है। ब्लैमिशेस के ऊपर प्रॉपर मैंने आई थिंक वीडियो बनाया हुआ है, आप जाके चेकआउट कर सकते हो। और सनबर्न मैंने आपको बताया प्रॉपर, ठीक है, इस तरीके से होता है। अगर हम बात करें होम्योपैथिक ट्रीटमेंट की, तो होम्योपैथिक ट्रीटमेंट में भी आपको प्रॉपर स्किन के बारे में बताया जाएगा कि आपकी स्किन किस टाइप की है, उसके अकॉर्डिंगली आपको प्रोडक्ट्स भी दिए जाते हैं। और अगर सनबर्न बहुत ज़्यादा हो गया है तो आपको होम्योपैथिक मेडिसिन भी दी जाती है, जिसमें बर्बेरिस एक्विफिलियम हो गया, या फिर हमारी नक्सोमिका हो गई, सल्फर हो गया, अकॉर्डिंग टू योर सिम्टम उस टाइम पर क्या अप्लाई अलग करने की ज़रूरत है, क्या खाने की ज़रूरत है, वो देखना पड़ता है कि सिम्टम्स किस तरीके के हैं, कितने माइल्ड हैं, डीपर है, ये सब देखना पड़ता है, उसके बाद हम मेडिसिन सेलेक्ट करके देते हैं। तो हाँ, आपके प्रोडक्ट्स भी चलते हैं, आपका सनस्क्रीन भी चलता है, आपका स्किन केयर भी चलता है, और साथ में मेडिसिन भी चलता है। तो डेफिनेटली कुछ टाइम पे, अब डिपेंड करता है आपने कितना ज़्यादा उसको ख़राब किया है स्किन को, तो 3 महीने लगते हैं, किसी को 1 महीना लगता है, किसी को 6 महीने भी लग सकते हैं, किसी को साल भी लग सकता है, अगर आपने स्किन को ज़्यादा डैमेज कर रखी है, ठीक है। तो ये होम्योपैथिक अप्रोच होता है कि आपकी स्किन देखना बहुत ज़रूरी होता है, और स्किन को के लिए प्रोडक्ट्स भी देना ज़रूरी होता है और मेडिसिन भी देना ज़रूरी होता है, ठीक है। So it's all about sunburn. I hope given enough information. Thank you so much for watching the video. If you like the video, please like, share and subscribe and spread this with others. Bye, take care.